जो बच्चे कनाडा कंट्री जा रहे हैं स्टडी करने वास्ते उन्होंने माँ बाप की सोच के भेजन या की करके भेजन बच्चों कोई दिक्कत इतने ना आए परेशानी ना आए क्योंकि स्ट्रगल का दूसरा नाम कनाडा कंट्री है ये तो कोई शक वाली गल नहीं है। इस स्ट्रगल तो बच्चों को करना ही पड़ेगा इतने आने के बाद ये कोई शक वाली गल नहीं है। ये बारे में कुछ दसो कि करन वो कि बच्चे इतने परेशान ना हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ मैं कनेडा की धरती तो कैप्टन इकबाल सिंह बोलदा जो इंडियन आर्मी के अंदर 28 साल सेवा करके आया। मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करना चाहुंदा हाँ। जिहड़े बच्चे भारत विच्चों या पंजाब दे विच्चों आ रहे ग्रैजुएशन करके उन्हां नूं भेजो और उन्होंने कोशिश करो कि अंग्रेजी बोलन का चंगा अभ्यास होवे। मैं बेनती करता है भी कम से कम उन्हां बच्चों को थोड़ा बहुता पैसा भी दे के भेजो क्योंकि कदे कदे हो सकता इत्थे कम ना मिले। ये ना सोचो भी साडा बच्चा जा के कम करके किराया दे सकता मकान का कम से कम साल का बेसमेंट का किराया वगैरह वो तुसी उन्हूं दे के भेजो। कम इत्थे मिल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। टावा टावा किसी नूं दिक्कत आउंदी जरूर हैगी है तकलीफ कोई नहीं है। मुश्किल उदों आ जाती जो बच्चे इत्थे एकदम आ जाते। कोशिश करो अगर तुहाडा कोई रिश्तेदार है उहदे नाल गल करो लेकिन एक गल याद रखो तुहाडे रिश्तेदार ने इत्थे लगातार नहीं सामना 15 दिन 20 दिन या महीना तो सहारा दे दूंगा क्योंकि उन्हां दीआं भी मजबूरियां हुंदियां रहण नूं जगह नहीं है। बेसमेंटां वगैरह थोड़ा इत्थे घाटा है इस वेले उहदे भी सरकार दी कोई गलती नहीं है क्योंकि स्टूडेंट एकदम आ गए। जे हुण ना सद्दांगे फिर तुसीं कहोगे देखो स्टूडेंटां नूं सद नहीं रहे गुजारा इत्थे हो ही जांदा। माड़ी मोटी दिक्कत जरूर हुंदी हैगी है और जदों भी किसी खासकर लड़की नूं भेजदे आ थोड़ा बहुता कोई रिश्तेदार लभो ताकि उहनूं थोड़े दिन सहारा मिल जाए फिर वो रिश्तेदार उसनूं किसी कॉलेज दे नेड़े जिथे उन्हें पढ़ना है उन्हूं जगह दवा दू दू। इत्थे असीं हुण बैठे ही हैगे आ कदे कदे कोई लड़की आ भी जांदी है ते असीं उहदी मदद करदे आ एक दो चार दिन रख के उहनूं असीं उहदे कॉलेज दे नेड़े कोई घर या बेसमेंट लभ के दिंदे आ। ये जिहड़े दस्तार वाले आ बड़े रहम दिल वाले आ गुरु गोबिंद सिंह दे ये हैगे आ पूजन वाले। बहुत कुछ सोचते हैं असी इत्थे बह के ये नहीं है कि कोई आ गया असी नहीं सोचते। पूरी साडी हिम्मत हुंदी है भी असी इस नूं वेले लाइए किसी काम ते लग जाए इहनूं जिहड़ा घर वगैरह बेसमेंट आ इहदे कॉलेज दे कोले मिलदे। और एक गल याद रखण वाली है जदों भी इत्थे आउंदे ऐन टाइम सिर आओ। जे तुहाडा कॉलेज 15-20 दिन महीना बाद ते इत्थे इंश्योरेंस करवानी चाहिए। इंश्योरेंस बहुत महंगी अगर तुसी हॉस्पिटल दाखिल हो गए $2,500 रात और दिन का पै जाता। अगर ऑपरेशन हो गया तो बहुत खर्चा पै जाता। इतने आपके किसी रिश्तेदार नूं कहो कि उहदी इंश्योरेंस करा दित्ती जावे जिन्ने दिन उसने कॉलेज विच नहीं जाना। जिस वेले वो कॉलेज विच जाऊ उस दिन उहदी इंश्योरेंस चालू हो जाऊगी फिर कोई दिक्कत नहीं। इस गल का खास ख्याल रखा जे। और जो साढ़े बुजुर्ग आते हैं लोग इतने उन्होंने दिल क्यों नहीं लगता इतने क्यों कहते हैं कि मिट्टी जेल कहा जाता कनाडा कंट्री जो बुजुर्ग साढ़े आते हैं इंडिया तो उन्होंने दिल इतने नहीं लगता। आते हैं 4 महीने टिकट लैके दूजे महीने कहें वापस जाना है। की वजह ऐसी कोई गल नहीं आ बथेरे बुजुर्ग बैठे साढ़े 4 सवेरे कोई लड़की को आया वे तो जान का ना नहीं लेंदे। ये तो कहें भी असी तो होर 6 महीने वधा देने मैं टावा टावा हैगा वो मैं पहले भी दसिया जिन्होंने पीन की आदत होंगी भाई वो वास्ते दिक्कत होंगी है उन्हें शाम को पैक शैक लाना हों हूँ असी सारे बैठे हैं कोई नहीं पीता है सब सोफी है गुरुद्वारे साहब च अरदास हो गई है तो आ गए असं हम पिछे गप्पा मारी जाने फालतू गल इतने कोई तकलीफ नहीं रहा सारे बैठे जान का ना नहीं लेंदे। कोई सुपर वीजे ते आया है कोई विजिटर वीजे ते आया लेकिन इन्होंने बुजुर्गों चुम्मी मार के कोई नहीं आया। चलो जी थैंक यू सो मच आप सारे का।